नंबर एक, एंड इसको दर्शाने के लिए एक बहुत फनी सा कोट कभी पढ़ा था कि 20 साल की उम्र में हम सब लोग ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हो, 40 साल की उम्र में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बट 60 साल की उम्र में पता चलता है कि लोग हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट लेसन दैट वी लर्न वेरी लेट इन लाइफ, कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों को ये कैसे दिखेगा, दैट इज अ ट्रैप। ये एक ऐसा पिंजरा है जहां अगर हम फंस गए तो निकलना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो लोगों के सामने हम कैसे पेश आए और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे उसी से सब कुछ चलता है। तो अगर आप IIT में गए या CA बने या एम्स गए या UPSC क्लियर किया तब थोड़ी सी औकात है, नहीं तो शर्मिंदगी महसूस करके कभी व्यक्त भी मत करिए कि आप एक घटिया वारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे। अगर आपने ये ठान लिया कि शादी नहीं करनी है या बच्चे बहुत लेट करने हैं या बच्चे करने ही नहीं है, लोग क्या बोलेंगे। अगर आप अपना घर बेच के, गाड़ी बेच के एक अच्छे से बड़े से घर पे रहना चाहते हैं जो कि किराया का है, या पहाड़ों में बस जाना चाहते हैं, या गोवा में रहना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे। अगर आप अपने माँ बाप के घर से बाहर निकलकर खुद एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जीना चाहते हैं, माँ बाप के करीब रहकर उनको जो सारे सुख चाहिए वो सब देकर लेकिन उनके साथ नहीं रहकर, तो लोग क्या कहेंगे। बहुत लेट जिंदगी में ये एहसास होता है कि लोग क्या कहेंगे की वजह से हमने इतने सारे डिसीजंस लोगों के लिए ले लिए, खुद के लिए नहीं। एंड दैट हैज टू बी समथिंग दैट यू रिकॉग्नाइज हैज टू ब्रेक इनसाइड ऑफ यू। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसकी परवाह ना करते हो। आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचेंगे, बल्कि दो लोगों के बारे में बात करेंगे, आपका 8 साल वाला रूप और आपका 80 साल वाला रूप। आपका 8 साल वाला रूप आपके बारे में क्या सोचेगा, आपका 80 साल वाला रूप आपके बारे में क्या सोचेगा। अगर ये दो लोग आपकी अभी की जिंदगी से खुश हैं, एक तरीके से प्राउड फील करते हैं, तो आप सेट हैं। अगर ये ही दो लोग सही नहीं है तो बाकी लोगों का आचार डालेंगे दोस्त। नंबर दो, हमें कल की वेट नहीं करनी है, टू डू द थिंग दैट वी शुड डू टुडे। 32 साल तक मैंने खुद की बॉडी को पे इंतहा अब्यूज किया, नॉट सब्सटेंस अब्यूज, लेकिन खा खा के। दिल्ली में पला बड़ा तो छोले भटूरे, आलू टिक्की, चाट पापड़ी, भेल पूड़ी, ये वो, चीनी, फ्राइड पकोड़े, समोसे। जब कभी भी गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पे उठना, कभी खाने का कोई रिदम नहीं, कभी कुछ सोने का रिदम नहीं। एंड आई केप्ट टेलिंग मायसेल्फ, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। या वो सारे लोग जो नौकरी में फंसे हुए हैं एंड अपने आप को बोलते रहते हैं, यार एक बार रिटायर हो गए ना फिर जिंदगी जिएंगे, क्योंकि तब तक तो काम करने का वक्त है। दोस्त, रिटायरमेंट तक तो दांत निकल चुके होंगे, हाथ पैर जवाब दे चुके होंगे, एक तरीके से शरीर ही बेचारा बेरोजगार सा हो गया होता, तो फिर उसके बाद क्या जीना, अभी से जीना शुरू करो ना। तो जो कुछ भी आपको आज करना है उसको कल तक मत टालिए, ये सबसे बड़ी भूल है जो बहुत लेट ही पता चलती है, तब तक शायद बहुत लेट हो चुका होता है। डोंट मेक दैट मिस्टेक, गो एंड लिव योर लाइफ। यू वॉन्ट टू गो एंड ट्रैवल, प्लीज अपना बजट बना के जाइए और करिए। यू वॉन्ट टू से आई लव यू टू द पर्सन दैट यू वॉन्ट टू, प्लीज कल तक वेट मत करिए, आज बोलिए। शायद अगर आपने नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएंगे। आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो टॉक्सिक नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, आप खुद पे अच्छे से पैसे खर्च करना चाहते हैं, या माँ बाप के लिए करना चाहते हैं, भाई बहन के लिए चलना चाहते हैं, दोस्तों पे खर्च करना चाहते हैं, प्लीज करिए। रिटायरमेंट तक वेट मत करिए, ये मत सोचिए कि आज तो मुझे ये सब करना है और ये मजबूरी है और ये करके ही रहूंगा, कल जब मेरे पास वक्त होगा, पैसे होंगे, तब हम सोचेंगे कि जिंदगी कैसे जिए जाए। गलत, इट मे बी टू लेट बाय देन। नंबर 3, टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड योर बॉडी। जब हम अपने 20s में होते हैं ना, जैसे कि मेरे साथ हुआ, हमें पता नहीं चलता कि हम अपनी बॉडी को कितना मिसयूज करते हैं,
क्योंकि 20s जो है ना वो अभी भी यंग है, तो हमारी बॉडी में कुछ साइंस नहीं दिखते हमें। अगर हम जितना भी अनशन खा लें, कितना भी अनशन पी लें, कुछ भी अपने वक्त में टाइम मैनेजमेंट का ऐड नहीं, अपने बॉडी को अब्यूज करें, अपने स्लीप साइकिल मेंटेन नहीं करें, कोई रूटीन नहीं रखें, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें, कुछ भी, तब भी हमारी बॉडी अच्छे से चलती है, क्योंकि 20s में ही है, यंग है, अभी भी जवान है। धीरे धीरे जब 30-40 साल आने लगते हैं ना, तब हमें अपने गलतियों का एहसास होता है, क्योंकि वो गलतियां दिखने लगती है, वो डायबिटीज दिखने लगता है, वो वेट गेन दिखने लगता है, वो जोड़ों का दर्द दिखने लगता है, वो बैक पेन दिखने लगती है, एंड देन इट बिकम्स टू लेट और टू एक्सपेंसिव और टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व इट। ये गलती मत करिए, मैं ये गलती से गुजर चुका हूं, एंड मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि एक हादसा, एक एक्सीडेंट, एक मजबूरी आपको जिंदगी बदलने के लिए मजबूर कर दे। वो मेरे साथ हुआ, एंड मैं कितना अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि उस हादसे की वजह से मुझे एक दूसरी जिंदगी मिली। मेरे को जेन्युइनली 32 साल की उम्र में एक नई जिंदगी मिली, जहां एक सर्जरी के थ्रू मेरा 3 महीने का बेड रेस्ट था, 5 महीने मैं क्रचेस पे चला हूं, उस 8 महीने हर एक चीज जो मैं जिंदगी में करना चाहता था मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उस सर्जरी से गुजरा था। एंड उस पॉइंट पे मैंने अपने आप को ये वचन दिया कि यार ऐसे मैं अपनी बॉडी को ट्रीट नहीं करूंगा, ऐसे मैं अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू चेंज इट। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग फिट, बींग फिजिकली एक्टिव, गोइंग टू द जिम, प्लेइंग अ स्पोर्ट, ईटिंग हेल्दी, स्लीपिंग ऑन टाइम, टेकिंग चार्ज ऑफ माई टाइम, हैशटैग टाइम मैनेजमेंट। आज बड़ा हो रहा है, एंड एज इफ रोज नहीं होता अंकुर, एंड इट then became a ritual. It is genuinely my way of living life. And मैं कितना कितना शुक्रगुजार हूँ उस हादसे का. But I don't want कि हादसे की वजह से ही आप change करें. So please, until it's too late, don't wait for it. Make your move towards maintaining your body, both physically and mentally. Number 4, एक ऐसा एहसास जो जिंदगी में अक्सर काफी लेट होता है कि हमारी पढ़ाई ना स्कूल और कॉलेज में खत्म नहीं हो जाती, और भारत में ये बड़ी प्रॉब्लम। भारत में अक्सर माँ बाप, हम खुद भी ऐसा सोचते हैं कि यार जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म करो। What does that really mean? पढ़ाई खत्म करने का क्या मतलब होता है? क्या आप सीखना खत्म कर देंगे? क्या आप लर्निंग खत्म कर देंगे? आप कुछ नया पढ़ना खत्म कर देंगे? आप AI की दुनिया में अभी महसूस कर रहे हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ बदल रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है और बदल रहा है, बढ़ रहा है इतनी तेजी से बदल रहा है एंड बढ़ रहा है कि कोई भी इसका हिसाब नहीं रख सकता। तो जो आपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा था, अगर वो पढ़ाई खत्म हो गई है और आपको अब और नहीं पढ़ना है, तो दोस्त अलविदा, बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर, नहीं होने वाला कुछ, जिंदगी खत्म। यू हैव टू बी लर्निंग एवरी सिंगल डे। ये एक सच्चाई बन चुकी है अब कि जिंदगी में अब वही इंसान आगे जाएगा जो कि पढ़ना और सीखना जानता है। पढ़ना और सीखना किताबों से नहीं, एक स्कूल और कॉलेज ज्वाइन करके नहीं, जब कभी भी जिस चीज की भी जरूरत हो उसको वो सीख सकता है। एंड यू ऑल आर एक्सेल एट दैट। यू कैन गो एंड टाइप एनीथिंग ऑन यूट्यूब, और वो जनरेशन जो आप सब में है, विच इज द एबिलिटी टू लर्न ऑनलाइन, द एबिलिटी टू लर्न थ्रू फ्री कॉन्टेंट, द एबिलिटी टू मेक use of that content, practice on your own and become such great graphic designers, coders, visualizers, product managers, product designers, kuch bhi. Bahut sare log aap mein se to ye sab khud hi seekhe hain, kisi ne sikhaya nahi. That jazba never has to stop. Kabhi bhi nahi. Because if you stop learning and if you say, ho gayi padhai, ho gayi education khatam, game over my friend. Aage nahi badh payenge. एंड अब तो दुनिया ऐसे होने वाली है जहां हर 5 साल कुछ नया सीखना ही पड़ेगा, हर 10 साल तो नौकरी चेंज करनी पड़ेगी। नौकरी नॉट इन द सेंस ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री इटसेल्फ, इन टर्म्स ऑफ द रोल इटसेल्फ। जो आप रोल कर रहे होंगे शायद 10 साल में वो रोल होगा ही नहीं, एक नया रोल बन चुका होगा। एंड यू हैव टू अडैप्ट टू दैट अंटिल यू डाई। दैट इज द रियलिटी। डोंट मेक दैट मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं कि आखिर में जाके पता चलता है सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए था। नंबर 5, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बिफोर गिविंग यू व्हाट इट इज। आपकी और मेरी जनरेशन में, 42 का हूं तो जनरेशन में थोड़ा सा फासला है,
आपके और मेरी जनरेशन में एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है, जो ना आपकी गलती है ना हमारा बड़प्पन है या व्हाटएवर आर कैलिबर। जब मैं बड़ा हो रहा था एंड भारत में ही बड़ा हुआ, 1980s 1990s की भारत की कहानी है, हर एक चीज ना वेट करने पे ही मिलती थी, कुछ भी चीज ऐसा नहीं मिलती थी। आपको दूध लेने के लिए वेट करना होता था, फोन लेने के लिए वेट करना होता था, टीवी शोज देखने के लिए वेट करना होता था, गाने सुनने के लिए वेट करना होता था, पिक्चरें देखने के लिए वेट करना होता था, कपड़े खरीदने के लिए वेट करना होता था, स्कूल कॉलेज के एडमिशन के लिए वेट करना होता था, किसी क्लब को ज्वाइन करने के लिए वेट करना होता था। हर एक चीज वेट से ही होती थी, क्योंकि नया देश था, नया इन द सेंस कि अभी अभी स्वतंत्र हुआ था, बहुत सारा डिमांड था, अभी तक सप्लाई बिल्ट नहीं हुई थी, इंटरनेट तो कभी आया ही नहीं था, तो हर एक चीज जो है ना उसके लिए बहुत डिमांड, लिमिटेड सप्लाई एंड इनफिनिट पेशेंस चाहिए थी। तो विदाउट एनी चॉइस ऑफ, ऐसा नहीं था कि हम बड़े खुश होते थे कि हमें वेट करना है, हमारी मजबूरी थी कि हमें वेट करना है, लेकिन इससे एक बढ़िया आदत पड़ गई वेट करने की। एंड वेट करने से एक बहुत इंटरेस्टिंग और आदत बन जाती है पेशेंस की, यू रेकग्नाइज हाउ टू बी पेशेंट। अब आपकी जनरेशन, अगेन नॉट योर फॉल्ट, की प्रॉब्लम है पेशेंस और रादर द लैक ऑफ इट, क्योंकि आप एक ऐसी जनरेशन में, एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए जहां हर कुछ इंस्टेंटली हो जाता है। आपको बुक्स चाहिए, क्लिक, आपको लेटेस्ट वीडियोस चाहिए, क्लिक, लेटेस्ट मूवीज, लेटेस्ट गाना, क्लिक, लव, स्वाइप राइट, जो भी चाहिए एट द स्पीड ऑफ थॉट डिलीवर टू योर डोरस्टेप। तो आपको ना वेट नहीं करना पड़ता, आप जानते नहीं है कि पेशेंस की क्या वैल्यू है। एंड इट्स ओनली मच लेटर दैट यू रियलाइज, एंड आई होप इट्स नॉट टू लेट व्हेन यू रियलाइज, कि जिंदगी में जो सबसे खूबसूरत चीजें हैं ना दोस्त, सबसे कीमती चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, वो वेट करने से ही आती है। प्यार, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, जॉय, ये रातों रात नहीं आता। आपको एंटरटेनमेंट इंस्टेंटली मिल सकता है, लेकिन खुशी, सुकून जो है ना, वो एक वक्त के बाद ही मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब आप एक चीज को इतने अच्छे से कर पाएंगे कि आप अंदर से वो सुकून महसूस करेंगे। And you will then see the joy of long-term patience, of waiting it out and seeing good things take time. ये एक चीज जिंदगी में बहुत लेट लोग समझते हैं, वो रातों रात हर चीज चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात प्यार चाहते हैं, रातों रात शोहरत चाहते हैं, रातों रात प्रमोशन चाहते हैं। इतनी ईमेल्स मुझे आती हैं, अंकुर आई एम 18, माय एम इज टू बिकम अ बिलियनेयर बाय 21। भगवान करे हो जाए, लेकिन नहीं होने वाला। अगर हो भी गया, आपको पता भी नहीं होगा कि कैसे होगा, आप उसको फिर से रिपीट नहीं कर पाएंगे। ऐसी जिंदगी क्यों चाहते हैं आप, बल्कि ये चाहते हैं कि जो भी आपके साथ हो वो इतनी खूबसूरती से धीरे 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 होता रहे कि आपको कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो, एंड आप तब भी आगे बढ़ते रहे। दैट विल बी ट्रू लाइफ एंड दैट विल बी अ लाइफ ऑफ पेशेंस। नंबर 6, ये बहुत हार्ड हिटिंग है, आपका फर्ज इस जिंदगी में लोगों की मदद करना है, उनको बचाना नहीं। लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी लोगों को बचाने में लगा देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोगों को बचाएं। हमें लगता है कि अगर हम नहीं बचाएंगे तो हम वो सेवियर नहीं कहलाएंगे, हम किसी की जिंदगी नहीं बदल पाएंगे, हम किसी को वो मीनिंग नहीं दे पाएंगे जो उनको अपनी जिंदगी में दिखना चाहिए। अरे दोस्त, खुद को पहले बचा लो, खुद की पहले मदद कर लो, खुद को पहले सवार लो। जब वो एयरप्लेन पे आप जाते हैं और सेफ्टी अनाउंसमेंट होती है, तो एयर होस्टेस बोलती है ना कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिर जाएंगे, अपने मुंह पे लगाइएगा, खींचिएगा तो उससे ऑक्सीजन का प्रभाव शुरू होगा। एंड दूसरों पे मास्क लगाने से पहले सुनिश्चित कीजिए कि आपने पहले अपने ऊपर वो मास्क लगा लिया है। एंड दैट इज अ ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि जिंदगी में किसी और को बचाने से पहले खुद को बचाइए, खुद की जिंदगी को संभालिए, उसको संवारिए। यू विल नेवर फाइंड पीस इन द फैक्ट दैट यू सेव्ड समवन एल्स, यू विल ओनली फाइंड पीस इन द फैक्ट दैट यू सेव्ड योरसेल्फ, एंड थ्रू दैट यू वर एबल टू सेव अदर्स। दैट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। एंड इतने सारे लोगों को मैंने देखा है जिंदगी में जो सिर्फ लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, एंड द एंड ऑल दे हैव इज रिग्रेट एंड वर्स रिजेंटमेंट।
क्योंकि उन्हें लगता है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी, उन्होंने मुड़कर एक बार भी उनको थैंक यू नहीं बोला, उनकी पूरे इस रोल को कबूल नहीं किया, ना कभी एक्सेप्ट या एक्नॉलेज किया। एंड देन यू आर लाइक, ये मैंने क्यों किया? एंड इट फील्स लाइक अ वेस्ट। एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग इट इज अ वेस्ट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपने खुद को पहले फोकस बनाया होता, anybody else that you end up helping never feels like they have to return that favor, because it is not a transaction, it is something that has become a part of you. And number 7, sabse important realization which happens towards the end, ek bahut khoobsurat book hai, The 5 Regrets of the Dying, 5 Regrets of the Dying. Ek Australian nurse hai, वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी, वहां बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, एंड बिकॉज शी एक्सपीरियंस डेथ ऑन ऑलमोस्ट अ डेली बेसिस, गुफ्तगू में शी फिगर्ड आउट कि इन सारे लोगों के कुछ ना कुछ काश, कुछ ना कुछ रिग्रेट्स, कुछ ना कुछ शिकवा है। एंड देन शी रियलाइज कि ये जो 5 है ना, ये बहुत कॉमन है। एंड मेरे से एक था, आई विश आई हैड चोजन टू बी हैप्पियर, I wish I had chosen to be happier. इसका मतलब क्या है? हमारा जो दिमाग है ना, हमारा सबसे जिगरी दोस्त है और हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे को किसी भी चीज पे कन्विंस कर सकता है। वो अगर बोलेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो यू नो व्हाट, हम नहीं कर पाएंगे। अगर वो बोलेगा कि हम कर देंगे, then you know what? शायद कर देंगे। एंड इसका कोई सर पैर नहीं होगा, कोई बुनियाद भी नहीं होगी, it will just happen because we thought of it. So when we indulge in negative self-talk, jab hum apne aap ko sirf kosate rehte hain ki tumse nahi ho payega, tumse to koi pyar nahi karta, tum kabhi bhi kisi ke liye like nahi banoge, tum kabhi kisi ko khush nahi rakh paoge, tum kabhi zindagi mein kuch nahi ukhad paoge, har ek insaan tumse aage nikal jayega, tum hi confused ho, tum hi bewakoof ho, tum hi se nahi ho payega, tum mein hi kuch kami hogi, tum hi nalayak ho, then it becomes a reality. हमारा दिमाग हमें कन्विंस कर देता है कि वो सच है, लेकिन सच कुछ नहीं है, सच एक परसेप्शन है। इसी सच को अगर मैं हम उल्टा करके ये अपने आप को विश्वास दिलाएंगे कि हाँ, मैं अभी वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, लेकिन मैं वहां पहुंच सकता हूं, मेहनत से, वक्त लगाकर, पूरी शिद्दत के साथ, जो भी वो करना है उसको कर मैं वहां पहुंच सकता हूं। दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक ट्रांसलेटेड into positive self-talk is all the difference that is needed. Iska sabse badi example is Olympic athletics, jahan agar interviewer race se pehle wo athletes ko poochta hai, how are you feeling? And do jawab nikalte hain, either excited ya nervous. And consistently ye dekha gaya ki jo winners hai na, wo bolte hain excited, aur jo zyadatar losers to nahi bolenge kyunki Olympics mein bhag le rahe hain to loser kahan ke hue, but जो रेस नहीं जीत पाते, दे यूजली से नर्वस। बट इंटरेस्टिंगली, बायोलॉजिकली एक्साइटमेंट और नर्वसनेस सेम बॉडी रिएक्शन जनरेट करती है, अंतर नहीं है। बॉडी को एक्साइटमेंट और नर्वसनेस में अंतर महसूस नहीं होता, हम सिर्फ उसको एक शब्द बुला देते हैं। एंड वेदर वी कॉल इट एक्साइटमेंट या नर्वस मेक्स द डिफरेंस। इफ यू कॉल योर नर्वसनेस एक्साइटमेंट बिकॉज इट इज द सेम बॉडी रिएक्शन, देन you have a higher chance of actually feeling excited. But if you call your nervousness nervousness, then there is a higher chance you will feel nervous. बहुत late जिंदगी में पता चलता है कि खुद के साथ की जो कहानियां हम आईने के सामने खड़े होके खुद के बारे में बोलते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। And we can change that reality if we choose to. Will you or will you not? ये 7 चीजें जिंदगी में इतनी late पता चलती हैं कि तब तक शायद बहुत लेट हो चुका होता है। एंड माई एम थ्रू दिस वीडियो वॉज कि इन 7 से आपका परिचय करवाऊं, जो कि नए नहीं है, नायाब नहीं है, आप सब लोग इसके बारे में सोच चुके हैं, शायद कहीं सुन भी चुके होंगे, लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू आप एक वचन लेंगे खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, दैट यू विल नॉट अलाउ एनी ऑफ दीस 7 टू बिकम अ लॉन्ग लाइफ रिग्रेट। यू विल मेक द चेंज टुडे। I'm Kurvariku, signing off.
मेरी नई किताब Get Epic Shit Done अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है। एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।